जोधपुर में ऐसी समाज एक्सपो में आज मुलाकात कर रहे हैं गुरुजी महेश्वरी से, जो गेमिंग जोन से हैं। जी बताएं गुरुजी, आपकी कंपनी का नाम बताएं, ब्रांड का नाम बताएं। हमारा ग्रुप है मॉडर्न ग्रुप, और इस मॉडर्न ग्रुप में हम लोग अम्यूजमेंट इंडस्ट्री के इंडिया के लीडर हैं। हम लोग ना केवल गेम्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बल्कि हम लोग मॉल में इसको ऑपरेट भी करते हैं। मस्ती जोन हमारा ब्रांड है उसके नाम से। हमारे राजस्थान में कई जगह है, जयपुर में है, कोटा में है, उदयपुर में है, और हम लोग मस्ती जोन के नाम से इसको ऑपरेट करते हैं। उसके अलावा इसमें जो बनने वाली मशीनरी है उसकी भी लगभग 70% मशीनें हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, बाकी रिमेनिंग बाहर से खरीदते हैं। वो प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करें, किस तरह के गेम्स हैं, क्या फीचर्स हैं? क्या हम लोग जो गेम्स बनाते हैं वो वर्चुअल रियलिटी के गेम्स बनाते हैं और सिमुलेटर बनाते हैं, 70 सिमुलेटर। तो इसमें जो बनाने वाले हैं बहुत ही कम है दुनिया में, बहुत ही लिमिटेड है, और इंडिया में तो हम लोग ही हैं जो बनाते हैं इस तरह के गेम्स, वर्चुअल रियलिटी के गेम्स। वर्चुअल क्या एक गेमिंग जोन का इंफ्रास्ट्रक्चर या सेटअप लगाने में क्या कॉस्टिंग आती है? क्या करीब 10,000 स्क्वायर फीट का अगर गेमिंग जोन लगता है तो उसमें करीब करीब 6 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है, 6,000 रुपये फुट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है, और जो कि 2 साल के अंदर पेबैक होता है उसका। अच्छा, 2 साल के पे बैक होता है। तो इसमें किस तरह की गेम्स वगैरह रेंज क्या है, नंबर ऑफ गेम्स कितने रहते हैं? क्या करीब 10,000 स्क्वायर फीट के गेमिंग जोन में 70 से 80 गेम्स लगते हैं। ओके, और ये गेम्स जो लोग खेलने आते हैं 50 रुपये से लेके 200-250 रुपये तक के टिकट्स होते हैं, टिकट प्राइस होते हैं। इसके अलावा आप महेश्वरी एक्सपो में आप क्या कोई संदेश देना चाहेंगे पब्लिक को या किस तरह का? ये एक अपने आप में एक तरह का एक्सपो है जो कि पहली बार हो रहा है, और सभी पूरे दुनिया से महेश्वरी आ रहे हैं यहाँ पे, और एकजुट हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे को पता चल रहा है कि क्या बिजनेसेस हैं। और क्योंकि एक समाज के अंदर जब लोग बिजनेस से जुड़ते हैं तो एक अलग अटैचमेंट होता है, ट्रस्ट बनता है, तो इसलिए लोग आपस में जुड़ना चाहते हैं। हम लोग भी जैसे हमारे यहाँ हमारे ग्रुप में करीब 650 एम्प्लॉयज हैं, तो उसमें से 10 से 15% महेश्वरी हैं, और हम लोग हमेशा क्योंकि एक कम्युनिटी के लोग होते हैं तो उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, इजी कनेक्ट हो जाता है। क्या है कि क्योंकि कल्चर सिमिलर होता है तो हमारे जो बिजनेस में भी अपना कल्चर कहीं ना कहीं दिखता है, तो वो जो महेश्वरी एम्प्लॉय होते हैं उनको भी समझ में इजी रहता है, कल्चर। थैंक यू।